अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 एपिथीलियम। तो हमारे पास एपिथीलियम, इसमें इससे पहले बताया गया है कि टिश्यू क्या होते हैं, क्योंकि एपिथीलियम हमारे पास एक टाइप ऑफ टिश्यू होता है। तो कह रहे हैं कि टिश्यू ऑफ द बॉडी, टिश्यू हमारे पास कैसे डिफाइन किया है कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड और सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट सम पर्टिकुलर फंक्शंस। मतलब ये एक एग्रीगेशन ऑफ सेल्स होता है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और हमारे पास टिश्यू किस चीज़ से बना होता है, इसकी कंपोजिशन ये है कि सेल्स होते हैं इसमें और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इंटर सेलुलर सब्सटेंस भी बोलते हैं। इसमें ये बना होता है मैक्रो मॉलिक्यूल से, जो कि खुद ये सेल्स, टिश्यू सेल्स सिंथेसाइज करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। फिर कह रहे हैं कि ह्यूमन के हमारे पास टिश्यूज जो है ह्यूमन बॉडी में, वो कौन से कौन से टाइप्स के, तो 4 टाइप्स के, एक एपिथीलियम है, एक कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो है एपिथीलियम, लेकिन उससे पहले बताया गया है कि ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से बने होते हैं। तो ऑर्गन्स का जो होता है, हमारे पास 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है स्ट्रोमा। पैरेन्काइमा कहते हैं फंक्शनल पार्ट को, जो कि हमारे पास एपिथीलियम से मोस्टली बना होता है। और स्ट्रोमा कहते हैं सपोर्टिंग टिश्यू को, जो कि मोस्टली हमारे पास बने होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। अब आता है हमारा मेन टॉपिक एपिथीलियम। अच्छा, एपिथीलियम को इन्होंने कैसे डिफाइन किया, एपिथीलियम को डिफाइन किया कि एज अ कलेक्शन ऑफ, एपिथीलियम इज़ डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ क्लोजली अपोज्ड सेल्स विच आर वेरी स्मॉल, विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मतलब एपिथीलियम जो हमारे पास टिश्यू है, इसमें हमारे पास सेल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो कम होता है। इसके कंपेरिजन में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर एक पॉइंट बताया कि एपिथीलियम जो होता है एवास्कुलर होता है, मतलब उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। तो इसकी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई और यहाँ से मेटाबॉलिक वेस्ट कौन लेकर जाता है, ऐसा होता है कि एपिथीलियम के नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू और उसमें हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होती है, जो कि हमारे पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिफ्यूज़ करती हैं हमारे पास ब्लड से हमारे पास एपिथीलियल सेल्स की तरफ, और एपिथीलियल सेल्स से फिर हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वापस डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड वेसल्स में लेकर आती है। और हमारे पास जो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू और एपिथीलियम को एक कनेक्शन के लिए, एक हमारे पास बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लैमिना भी कहते हैं, और उसमें हमारे पास एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और कोलेजन टाइप 4 होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमारे पास टाइप 4 कोलेजन मौजूद होता है। अच्छा, आगे है हमारे पास के एपिथीलियम को फिर डिवाइड किए 2 मेजर ग्रुप्स में, एक हमारे पास है ग्लैंडुलर एपिथीलियम और एक है कवरिंग एपिथीलियम। ग्लैंडुलर एपिथीलियम नाम से जाहिर है कि ये हमारे पास ग्लैंड्स को कवर करता है, मतलब ग्लैंड्स की सरफेस पे मौजूद होगा। एपिथीलियम वैसे सरफेस पे होता है, तो हमारे पास जो सिक्रेटरी पोर्शन ऑफ ग्लैंड्स होता है वो हमारे पास ग्लैंडुलर एपिथीलियम से बना होता है। सिक्रेटरी पोर्शन और जो भी है ये हम आगे ग्लैंड्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। और कवरिंग एपिथीलियम जो है हमारे पास, ये एक फॉर्म ऑफ शीट्स के फॉर्म में होता है एपिथीलियम। ये मतलब यूनिसेलुलर भी हो सकता है और हमारे पास मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, और ये कवर करता है एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द बॉडी को, इंटरनल सर्फेसिस ऑफ द बॉडी कैविटीज़ को। इसके अलावा हमारे पास जो इतने भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं ऑफ द बॉडी के, जैसे ब्लड वेसल्स और वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, उन सबको जो कवर करता है वो एपिथीलियम ही है हमारे पास। अच्छा, हमारे पास पहला आता है ग्लैंडुलर एपिथीलियम। ग्लैंडुलर एपिथीलियम, हमने बोला कि ग्लैंड्स के जो सिक्रीटरी पोर्शन होता है उसमें हमारे पास जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो हमारे पास एपिथीलियम है। तो ग्लैंडुलर एपिथीलियम जो है उसमें हमारे पास होता है कि एपिथीलियल सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं ताकि वो कुछ सिक्रीट करें, कोई सिक्रीशंस हो या एक्सक्रीशंस हो। फिर हमारे पास आगे बताया है सिक्रीशंस क्या होती हैं, जो कि हमारे पास सेल के अंदर सिंथेसाइज होती हैं और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर यूज़ के लिए हम उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज़ कराते हैं। और एक्सक्रीशंस क्या होती हैं, एक्सक्रीशन होती हैं कि हमारे पास सेल के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जमा हो जाए, वो हमारे पास एक्सक्रीशन होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स की एग्जांपल हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स हैं। ग्लैंडुलर एपिथीलियम के बाद हमारे पास आता है कवरिंग एपिथीलियम, इसको हम कहते हैं लाइनिंग एपिथीलियम। और ये हमारे पास प्रेजेंट होता है एक सिंगल लेयर के फॉर्म में भी हो सकता है या मल्टी लेयर फॉर्म में भी हो सकता है। ये हमारे पास कवर करता है, इस वजह से इसे कवरिंग एपिथीलियम भी कहते हैं। जैसे एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द बॉडी को कवर करता है, जो कि एपिडर्मिस हो गया, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को भी, उनकी लाइनिंग को ये कवर करता है एपिथीलियम। तो उसे हम जैसे ये पैसेजेस हो गए रिस्पायरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरोजेनिटल सिस्टम के,
हमारे पास वो पैसेजेस ओपन होते हैं एक्सटीरियर को, तो इस वजह से उसको जो एपिथीलियम कवर करता है वो कवरिंग एपिथीलियम है। और हमारे पास जो CVS है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स, इनको जो एपिथीलियम लाइन करते हैं इनकी इंटरनल लाइनिंग्स को, सर्फेसिस को, तो उसको हम स्पेशल नाम देते हैं एंडोथीलियम। जो बॉडी कैविटीज़ को कवर करता है एपिथीलियम, कवरिंग एपिथीलियम, उसको हम कहते हैं मीसोथीलियम। बॉडी कैविटीज़ में हमारे पास पेरिकार्डियल, प्लूरल, पेरिटोनियल कैविटीज़ आ जाती हैं। फिर आगे हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कवरिंग एपिथीलियम। क्लासिफिकेशन ऑफ कवरिंग एपिथीलियम, तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होगी कवरिंग एपिथीलियम की, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे पास एक होता है सिंपल एपिथीलियम, एक होता है स्ट्रेटिफाइड, और एक होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड। सिंपल एपिथीलियम का मतलब है वो हमारे पास होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं इसमें, और वो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, रेस्ट करते हैं। नीचे आपको पता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू। हमारे पास सेकेंड टाइप जो है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम की, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम मतलब मल्टी लेयर्ड हमारे पास होते हैं, ये कि सेल्स की डिफरेंट वो ज़्यादा लेयर्स होती हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे वो रेस्ट करती हैं। फिर हमारे पास आते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड, ऐसे होता है कि इसका हर एक सेल जो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करता है, लेकिन वो ऐसी अपीयरेंस देता है कि वो जैसे कि स्ट्रेटिफाइड हो, इस वजह से हमने इसे नाम दिया फॉल्स स्ट्रेटिफाइड या सूडो स्ट्रेटिफाइड। कि ऐसे होता है कि इसमें हमारे पास दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक बेसल सेल्स होते हैं, एक हमारे पास टॉल कोलमनर सेल्स होते हैं। मतलब ये ऐसे होता है कि ये अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो हमारे पास टॉल कोलमनर सेल्स तो ऊपर तक पहुंच जाते हैं, और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हमारे पास बेसल सेल्स ऐसे नीचे रह जाते हैं। ये टॉल कोलमनर सेल्स और ये हमारे पास बेसल सेल्स, टॉल कोलमनर सेल्स। तो हमारे पास जो बेसल सेल्स का न्यूक्लियस होता है वो तो नीचे होता है, और हमारे पास जो टॉल कोलमनर सेल्स है उनका न्यूक्लियस हमारे पास एपेक्स पे पड़ा होता है। तो हमारे पास ऐसा होता है कि ये जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास दो लेयर्स हैं सेल की, इनके न्यूक्लियस के अपीयरेंस की वजह से। इस वजह से ये अपीयरेंस स्ट्रेटिफाइड की देते हैं, जबकि ये होते हैं सिंपल ही हैं, तो इस वजह से हम इसे नाम देते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। अच्छा, हमारे पास फिर जो सिंपल एपिथीलियम है उसमें भी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल पे हमने डिवाइड किए हैं तीन किस्म के एपिथीलियम को, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम, सिंपल ग्रुबोडल एपिथीलियम और सिंपल कोलमनर एपिथीलियम। नाम से जाहिर है कि स्क्वेमस के सेल स्क्वेयर या फ्लैट शेप्ड होंगे, क्यूबोडल के हमारे पास क्यूब शेप्ड, और कोलमनर के टॉल सेल्स होंगे, कॉलम शेप सेल्स होंगे। तो अभी हमारे पास पहला है सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम में हमारे पास होते हैं फ्लैट सेल्स होते हैं, या स्पिंडल शेप्ड हम उन्हें कह सकते हैं, और हमारे पास ये होता है यूनिसेलुलर हमारे पास लेयर होती है। सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम की अकरेंस जो है हमारे पास मोस्ट कॉमन है, ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली अकरिंग एपिथीलियम इन द बॉडी। इसकी जो हमारे पास चीफ एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास है एंडोथीलियम और एक है हमारे पास मीसोथीलियम। एंडोथीलियम आपने बोला कि हाँ, पहले हमने बताया था कि इंटरनल सर्फेस ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ को कहते हैं, और मीसोथीलियम जो था हमारे पास वो हमारे पास बॉडी कैविटीज़ को जो कवर करता है। और ये हमारे पास इसका मेन फंक्शन ये होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिन होता है, तो ये हेल्प करता है हमारे पास रैपिड डिफ्यूजन में, हमारे पास ये हेल्प करता है वाटर सोल्युबल सब्सटेंस की। और इसके अलावा हमारे पास ये इसके अलावा हेल्प करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में भी। अच्छा, फिर अब हमारे पास आता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ये हमारे पास ये भी सिंगल लेयर्ड होता है, क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं हमारे पास, और ये इसका जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो एक ही लेवल पे होता है। और हमारे पास इसकी अकरेंस क्या है, इसकी अकरेंस ये हमारे पास बहुत रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी। ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास फॉलिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड में, और हमारे पास डिस्टल कॉन्वोलरी ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी में। ये इसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। फिर हमारे पास आता है सिंपल कोलमनर सेल्स। सिंपल कोलमनर नाम से ज़ाहिर है कॉलम शेप सेल्स होंगे। इनकी सर्फिस जो होती हैं सबकी एक जैसी होती हैं, मतलब ऊपर से सारे फ्लैट ही लगते होते हैं, लेकिन इनकी अगर आप क्रॉस सेक्शन देखो तो फिर ये हमारे पास कोलमनर शेप्ड होते हैं। इसके जो न्यूक्लियस है वो ओवल शेप्ड होता है और बेस पे प्रेजेंट होता है। इसकी एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, इसकी एग्जांपल है इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन्स, गॉल ब्लैडर और यूट्रस। इसके अलावा हमारे पास यहाँ जो सिंपल कोलमनर एपिथीलियम है इस पर हमारे पास कभी कभी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एपिकल सरफेस पे, जो कि फॉर एग्जांपल है माइक्रोविला, काइनोसीलिया और स्टीरियोसीलिया। इन सबको आगे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर्स में। अच्छा, फिर आते हैं हमारे पास स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। हमने बोला कि टू और मोर लेयर ऑफ सेल्स जिसमें प्रेजेंट हो, और इसको भी हमने वैसे ही क्लासीफाई किया जैसे सिंपल स्क्वेमस सिंपल एपिथीलियम को किया था सिंपल, तो इसकी हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल।
तो हमारे पास ये स्ट्रेटिफाइड होते हैं, तो इसका मतलब कि ये मोस्टली हमारे पास प्रेजेंट मतलब वियर एंड टियर को प्रिवेंट करेंगे, या ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जहाँ पे रिक्वायर्ड होगी कवरिंग वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है फ्लैट सेल्स और मल्टी लेयर्ड होंगे ये, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, जहाँ पे वियर एंड टियर होता है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास होता है ये डर्मिस हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास सिंपल नहीं स्ट्रेटिफाइड स्क्वीमस की दो टाइप्स आती हैं, एक कैरेटिनाइज्ड और एक हमारे पास आती है नॉन कैरेटिनाइज्ड। कैरेटिनाइज्ड वहाँ पे प्रेजेंट होती है जहाँ पे हमारे पास ड्राइंग ज़्यादा स्किन हमारे पास जैसे हो गया, जहाँ पे ड्राइंग का इफेक्ट ज़्यादा होता है वहाँ पे कैरेटिनाइज्ड एपिथीलियम होती है, क्योंकि वो कैरेटिन जो होता है हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी को। और हमारे पास दूसरी जगह पे जो नॉन कैरेटिनाइज्ड है वो स्लिपरी सर्फेस ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे पास ओरल कैविटी हो गया, ओरोफेरिंग्स हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये जहाँ यू जो एपिथीलियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो नॉन कैरेटिनाइज्ड होता है, मतलब उसमें कैरेटिन नहीं होता। और जो सिंपल जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम की सुपरफिशियल सेल्स होते हैं वो मोस्टली ऐसे फ्लेक ऑफ करते हैं, क्योंकि वेयर एंड टियर के लिए वो आगे होते हैं इस वजह से। और जो जो मोस्ट सुपरफिशियल सेल्स होते हैं वो हम बस उसके डिस्मोसोम्स जो होते हैं वो लूज़ कर लेते हैं और फ्लेक ऑफ फ्रॉम द सर्फेस हो जाते हैं। फिर हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम जो है हमारे पास एब्जॉर्प्टिव और सिक्रेटरी एक्टिविटी करता है, और जो हमारे पास डक्ट्स के मतलब डक्ट्स की लाइनिंग को में जो एपिथीलियम प्रेजेंट होता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है। फिर हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथीलियम, ये हमारे पास इसकी भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पास मेल यूरिथ्रा सम पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा में प्रेजेंट होता है। अच्छा, फिर हमारे पास एक स्पेशल टाइप आती है ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ये ऐसा होता है कि ये ट्रांजिशंस करता है, ये अपनी शेप को चेंज करता होता है, ये इसको हम यूरोथीलियम भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो यूरिनरी ट्रैक है जैसे कि हमारे पास रीनल कैलेसिस है, रीनल पेल्विस, यूरिटर्स और यूरिनरी ब्लैडर और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल यूरेथ्रा वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ऐसा होता है कि इसमें वॉल्यूम जब आता है हमारे पास यूरिन होता है या जब नहीं होता, तो दोनों में हमारे पास ये शेप चेंज करता है। जब हमारे पास इसमें अभी तक कोई वॉल्यूम नहीं है तो हमारे पास ऐसा होता है कि इसके सारे सेल्स, यहाँ पे पिक्चर में दिखा देती हूँ, इसके जो ये सेल्स होते हैं ये सारे हमारे पास डोम शेप्ड होते हैं, और ये सिक्स मतलब मोस्टली हाँ सिक्स लेयर्स होती हैं इसकी, सिक्स और मोर लेयर्स की फॉर्म में होता है। फिर हमारे पास अगर इसमें वॉल्यूम आता है तो ये हमारे पास ऐसा होता है कि ये ऐसे फैल जाता है, मतलब पहले ये डोम शेप्ड है तो ये ऐसे फैल जाते हैं और 2 to 3 लेयर्स में बस हमारे पास मतलब अपनी अपेयरेंस दे देते हैं। अच्छा, तो इस वजह से इसे ट्रांजिशन एपिथीलियम कहते हैं। अच्छा, ये होता कैसे है, ऐसा होता है कि इसमें हमारे पास प्लेक्स होते हैं और इंटरप्लेक रीजन्स होती हैं। प्लेक्स हमारे पास ऐसे थिक से पोर्शंस होते हैं, और ये इंटरप्लेक रीजन हो गया, फिर थिक सा पोर्शन प्लेक और ये इंटरप्लेक रीजन। हमारे पास प्लेक्स की जो थिकनेस है वो 12 नैनोमीटर और इंटरप्लेक रीजन की 8 नैनोमीटर। हमारे पास जब इसमें जब अभी तक वॉल्यूम नहीं होता तो हमारे पास प्लेक्स जो होते हैं वो सारे ऐसे प्लेक्स की शक्ल में आगे आगे, और जो इंटरप्लेक रीजन होते हैं वो अंदर ऐसे वेजिकल की फॉर्म में चला जाता है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है कि जब वॉल्यूम आता है तो फिर हमारे पास ये फिर से एक्सपेंड हो जाते हैं, मतलब ये ब्लैडर की यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसको एज अ मतलब वॉल्यूम ज़्यादा करने के लिए, अगर उसमें वॉल्यूम आए तो स्पेस ज़्यादा करने के लिए और कम करने के लिए इसमें ये जो एपिथीलियम प्रेजेंट होता है इसको हम ट्रांजिशनल एपिथीलियम बोलते हैं। अच्छा, फिर आगे हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथीलियम को एक्सप्लेन किया है, यही कि हमारे पास इसमें शॉर्ट बेसल सेल्स होते हैं और टॉल कोलमनर सेल्स होते हैं। बेसल सेल्स टॉप तक नहीं पहुँचते हैं, टॉल कोलमनर सेल्स जो होते हैं वो सरफेस तक पहुंचते हैं, और उनकी न्यूक्लिया उनके अपर वाइटर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और बेसल के तो उनके नीचे पार्ट में, तो ऐसे अपेयरेंस देते हैं जैसे कि वो स्ट्रेटिफाइड है। अच्छा, इसकी अकरेंस कहाँ पे, हमारे पास कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम में, नोज़ नेज़ोफेरिंक्स वगैरह। अच्छा, उसके अलावा ये प्रेजेंट होता है हमारे पास मेल यूरिथ्रा में, नहीं मेल जेनिटल ट्रैक्ट में, और इसके हमारे पास सरफेस पे काइनोसीलिया भी मौजूद होते हैं इन द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी एंड स्टीरियोसीलिया एंड मेल जेनिटल डक्ट्स। तो काइनोसीलिया और स्टीरियोसीलिया का फ़र्क भी हम आगे देख लेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास आगे है टू टाइप्स ऑफ टू स्पेशल वेराइटीज ऑफ एपिथीलियल सेल्स, तो एक है न्यूरो एपिथीलियल सेल और एक है मायो एपिथीलियल सेल।
जो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो टॉल कोलमनर सेल्स होते हैं और इनके सरफेस पे माइक्रोविलाए सीलिया एस्टीरियो सीलिया प्रेजेंट होंगे। और ये हमारे पास जो होते हैं ये स्पेशल सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे टेस्ट बर्ड्स हो गए या ईयर की जो वेस्टिब्यूल कॉक्लियर रिसेप्टर सिस्टम है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास आते हैं हमारे पास नर्व फाइबर्स जो होते हैं टर्मिनेट करते हैं और यहाँ पर सैनेप्सिस बनती है। अच्छा, मायोएपिथेलियल सेल्स के हैं स्टेलेट मतलब स्टार शेप्ड हैं और इनके मैनी प्रोसेस होते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स होते हैं एक्टिन मायोसिन, और ये हमारे पास जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये हमारे पास मतलब जब हमारे पास सिग्नल आता है न्यूरल या न्यूरो हार्मोनल तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और ये हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये मेमरी स्लेवरी लैक्रिमल एंड ग्लैंड्स के इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं। और ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास फ्लो ऑफ सिक्रीशंस को ये प्रोमोट करते हैं इनटू लार्ज चैनल्स।